जस्ट चेक इट, 16 क्वेश्चन हमारे पास असाइनमेंट में कह रही है। इसने हमसे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 99 इन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 and so on into x plus 199। देखिए इसका मतलब यह है कि जब हम इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें और जो एक बड़ी सी एक्सप्रेशन आएगी, उस एक्सप्रेशन में x रेज टू पावर 99 का कोफिशियंट क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप यहां पे देखें अगर कि यहां पे हमारे पास ये जो मल्टीपल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये चल रहे हैं। एक्स तो अपनी जगह पे बरकरार है लेकिन कॉन्स्टेंट्स चेंज होते जा रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स कहां तक जा रहे हैं? कॉन्स्टेंट्स आर गोइंग फ्रॉम 1, 3, 5 एंड दिस इज गोइंग टिल 199। मतलब कॉन्स्टेंट्स जो है एक ऑड नंबर की सीरीज बना रही है एक तरह से 199 तक। तो ये कितने फैक्टर्स हुए, लेट अस चेक इट कि भाई 199 जो है ये हमारा लास्ट फैक्टर है यहाँ पे। अगर आप इस 199 को देखें, दिस इज द लास्ट कॉन्स्टेंट इन द फैक्टर। तो यानी 199 तक एक तरह से ऑड नंबर की सीरीज चलती जा रही है। एंड वी नो every odd number is represented as 2n minus 1 where n belongs to n। तो हम लोग हर एक odd number को 2n minus 1 से denote करते हैं। जैसे first odd number is 2 into 1 minus 1 तो 1 आ जाएगा, second odd number is 2 into 2 minus 1, third odd number is 2 into 3 minus 1 और इसी तरह से ये जो 199 होगा ये भी कोई odd number है। तो देयरफॉर हम इसको कह सकते हैं कि 2n minus 1 is equals to 199, 2n is equals to 200, n is equals to 100। यानी ये जो टोटल फैक्टर्स हैं ये 100 तक फैक्टर्स हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? वी हैव गॉट कि देयर 100 फैक्टर्स। यानी हम लोग अगर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे जो x की हाईएस्ट पावर आएगी वो 100 आएगी। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 पहले दो को, फिर उसको नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। इस तरह से हम 100 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x रेज टू पावर 100 बन जाएगा। बट हमें तो कोफिशियंट x रेज टू पावर 99 का ढूंढना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर हम इसको समझें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टोटल 100 में से एट ए टाइम 99 फैक्टर्स ले रहे हैं और वो जो 100 फैक्टर है उसको कांस्टेंट ले रहे हैं। ये बात समझनी है। हम जब 90 x रेज टू पावर 99 के लिए अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 99 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं with the constant of 100th factor। बस ये चीज हमें करनी है। अब देखें जैसे अगर मेरे पास पहले 99, मतलब हमने क्या करना है, हमने एक बार में 99 फैक्टर्स लेने हैं और 100 फैक्टर वाले का कांस्टेंट लेना है। बस ये चीज का हमने मेन ध्यान रखना है। जैसे आप पहली बार x प्लस 1 को छोड़ दीजिए, सपोज x प्लस 1 को अगर हम छोड़ देंगे 100 फैक्टर में से, इस x प्लस 1 को अगर हम नहीं लेके चलते हैं तो बाकी के x रेज टू पावर 99 हो जाएंगे और उसको एंड में हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम x रेज टू पावर 99।
फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्स प्लस थ्री वाले फैक्टर को छोड़ दें, बाकी फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें नॉर्मली और इसके कांस्टेंट के साथ करेंगे तो बनेगा 3x रेज टू पावर 99, इसी तरह से 5x रेज टू पावर 99, इसी तरह से 7x रेज टू पावर 99, और ये बात इसी तरह से कंटिन्यूड रहेगी टिल 199, 199x रेज टू पावर 99 हो जाएगा। और यहां समय पता चलेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट सेज वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन एंड डैश 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 प्लस 199, तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। तो ये हमारे लिए आंसर रहेगा इसके लिए, ठीक है जी। तो दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज द आंसर। नाउ इसी तरह से आप क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोलता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। और हमारे पास जो एक्सपेंशन दी गई है वो दी गई है इस तरह से, 1 माइनस 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ प्लस डैश 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 टिल इन्फिनिटी रेज टू पावर -5। ओके, जस्ट लुक एट व्हाट इज बीइंग रिटन इनसाइड द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये खुद से ही एक एक्सपेंशन है। किसकी एक्सपेंशन है ये? ये एक्सपेंशन है 1 प्लस x रेज टू पावर -2 की एक्सपेंशन है, रेज टू पावर माइनस फाइव है। दिस थिंग विल बी रिटन एज 1 प्लस x रेज टू पावर 10। और जब 1 प्लस x रेज टू पावर 10 है तो आपको पता है कि कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 5 क्या होगा। कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इज 10c5। बिकॉज हमारे पास इन एक 1 प्लस x रेज टू पावर n कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर r इज ऑलवेज ncr, ncr। तो ये बात तो हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, और हम इसके लिए डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं कि तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बिकॉज ये हमारे पास 10c5 है, जिसको हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। आई एम फीलिंग कि मुझे 20th क्वेश्चन भी एक बार करा देना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 40, हमसे पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 3x।
तो इसको हम क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दें टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब दिस इज ए रेज टू पावर यह जाएगा ए रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 3 माइनस ए रेज टू पावर 1/a^2 3 माइनस 3 इंटू ए रेज टू पावर 1/3 इंटू 1/a^2 3 और ये हमारे पास आ जाएगा ए रेज टू पावर 1/3 माइनस 1/ तो इसमें हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस 1/a माइनस 3 ये ए रेज टू पावर 1/3 माइनस ए रेज टू पावर 1/3 विल बी कंसिडर्ड एज एक्स और दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल्स टू ए माइनस 1/a तो यहां पे हमारे पास शायद आप लोगों ने भी इसको किया होगा आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं अगर तो आपने इस तरह से किया है बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि दिस इज इजियर वे ऑफ डूइंग इट सो नोट इट डाउन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दिया गया 5 raised to power 1/2 प्लस 7 raised to power 1/8 4 raised to power 1024 ये हमसे पूछता है कि इसकी एक्सपेंशन में हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म्स हो गया जिसके जो पावर्स हैं वो रेडिकल साइंस नहीं होंगे यानी अपॉन में नहीं होंगे फ्रैक्शंस में नहीं होंगे वो हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रल वैल्यूज तो देखिए इसकी जनरल टर्म तो हम लोग देखते हैं इसकी जनरल टर्म हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी 1024 CR 5 raised to power 1/2 4 raised to power 1024 माइनस आर और 7 raised to power 1/8 raised to power r दिस विल बिकम 1024 CR 5 raised to power 1024 minus r divided by 2 and 7 raised to power r/8 अब हमारे पास बेसिकली ध्यान से सुनना मेरी बात कि हमें ये जो फ्रैक्शंस में है जैसे 7 की पावर r अपॉन 8 है तो हमें ये 8 हटाना है 5 raised to power 1024 minus r/2 है तो ये 2 हटाना है तभी हमारी पावर इंटीग्रल पावर होगी और अगर पावर इंटीग्रल होगी तो बाकी का नंबर भी इंटीग्रल होगा नाउ हमें सिर्फ ये देखना है कि अब जो r की वैल्यू है r की वैल्यू वो 0 से लेके 1024 तक जाती है तो हमने बेसिकली चेक करना है कि 1024 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो r से डिविजिबल हैं ठीक है बिकॉज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना हमें तो सिर्फ किसने पूछा है हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म्स विल बी देयर तो इंटीग्रल टर्म्स हमें मिलेगी इंटीग्रल टर्म्स हमें मिलेगी इफ आर इज डिविजिबल बाय इट
कार की जो वैल्यू है वो डिविजिबल बाय 8 होगी, तो वो कहाँ पे होगी? ऑफ कोर्स एक जीरो पे होगी, ऑफ कोर्स एक 8 पे होगी, फिर 16 पे, फिर उसके बाद 24 पे, 32 पे, ऐसे करते करते हमें चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 अप टू 1024। तो सिंपली आपको 1024 को 8 से डिवाइड करके क्वेश्चन चेक करना है कि भाई 1024 तक, हम कभी भी चेक करते हैं कि कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से कितनी टाइम्स डिवाइड होता है या कितने नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। सो 8 1 8, 8 2 16, 8 8 64। सो ये हमारे पास बोलता है, ये हमारे पास बताता है कि देर आर 128 नंबर्स, बट हम जीरो को भी ध्यान में रख के चलेंगे। जीरो भी ऐसी बात है जहां पर ये वैल्यू हमें इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 129 टर्म्स हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास है देयर आर 128 टर्म्स प्लस 1st term first term having r is equals to 0, because जो 8 से divisible होगा वो 2 से divisible तो होगा ही होगा, ठीक है, so total will be 129 terms. So this is the answer for us. चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसने बोला इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 4th टर्म एंड r - 2th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज्ड टू पावर 18 आर इक्वल, देन r इज इक्वल टू, देखें जी कोफिशिएंट की बात हो रही है, अभी हम लोगों ने देखा कि इन 1 + x रेज्ड टू पावर n कोफिशिएंट ऑफ x raised to power r is ncr, और हम इसको ऐसे भी बोलते हैं coefficient of tr plus 1 is also ncr, तो आप इसको कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब यहां पे बोलता है now in, हमारे पास दिया गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 18, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ तो हम लोग इसको ना सॉरी ये 2r प्लस 4 टर्म है, इसको हम लोग लिखते हैं पहले प्लस 3 प्लस 1, तो ये जो ये पार्ट है 1 के अलावा इसको हम लोग लेंगे डायरेक्टली, इसको लिखेंगे इज एनसी नहीं आएगा, इनकी जगह पे 18 है, तो 18c 2r प्लस 3 एंड आल्सो कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस टू अर्थ टर्म बोल रहा है, ये आर माइनस टू अर्थ टर्म दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू 18c आर माइनस थ्री,
आगे बोलते हैं हियर ये दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं 18 सी टू आर प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 18 सी आर माइनस थ्री. तो दिस इंप्लाइज दैट ये हम लोगों ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है 2R plus 3 plus R minus 3 is equals to 18. This 3 and this 3 cancel. R is equals to 600. So we have got R is equals to 6 as the answer. अब सेम चीज के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर p एंड x रेज टू पावर q बोथ आर पॉजिटिव इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर p प्लस q. तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर पी क्या बनेगा. दिस विल बिकम एन की जगह पे पी प्लस क्यू है पी प्लस क्यू सी पी विच कैन बी रिटन एज पी प्लस क्यू फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल. सिमिलरली अगर आप देखें coefficient of x raised to power q is p plus q c q अपॉन q फैक्टोरियल इंटू p p फैक्टोरियल आ जाएगा. अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इक्वल हैं और हमारे पास ऑप्शन है इक्वल इक्वल न्यूमेरिकली रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर अनइक्वल. तो इक्वली इक्वल न्यूमेरिकली सो दे आर न्यूमेरिकली इक्वल क्योंकि हमारे पास p और q की कोई भी वैल्यू देगा सो दे विल बी न्यूमेरिकली इक्वल. जल्दी से आप करें जी नोट देन हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास ये गिवन है. आप इसको माने आप x रेज़ टू पावर 1 बाई 3 को a ले लीजिए इसको b ले लीजिए और z रेज़ टू पावर 1 बाई 3 को c ले लीजिए. तो कहने का मतलब है कि आपको मिला है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास कभी भी हमारे पास ना एक आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू ए
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो और दिस इंप्लाइज दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री ए बी सी. ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास. अब यहां पे भी हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो दिया गया. ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू जीरो होगा. अब इसने हमें बोला है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड. सो अगर आप इसकी बात करें तो हेयर ध्यान से आप देखना, हमने इसको ना कैसे कैसे रिलेट करना है. x रेज टू पावर 1 बाई 3 इज a हमने लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू ए क्यूब, y इज इक्वल टू बी क्यूब, z इज इक्वल टू सी क्यूब. सो देयरफॉर x प्लस y प्लस z कैन बी रिटन एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. देयरफॉर हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू थ्री ए बी सी. एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो ये थ्री ए बी सी का होल क्यूब होगा. That will be equals to 27 times a b c whole cube, or that can be written as 27 times a cube into b cube into c cube. और अगर मैं इसको x y z की शेप में चेंज करूंगा तो it is simply 27 x y z. तो This is the answer for us. तो हम लोगों ने बेसिकली मैंने को आपको ये आइडेंटिटी बतानी थी. दिस आइडेंटिटी इज बींग स्टडीड बाई यू इन स्मॉलर क्लासेस इन जूनियर क्लासेस, बट हो सकता है कई बार ये याद नहीं रहती. आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉल दिस आइडेंटिटी फॉर यू ताकि आप इसको समझ पाए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं. राइट, 24th आप खुद से करेंगे, 26th आप खुद से करेंगे. नाउ आई विल कम टू 27th क्वेश्चन. में हमारे पास दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इस तरह से दिया गया 12c1 अपॉन 12c0 प्लस टू टाइम्स प्लस थ्री टाइम्स नो इसको मैं जनरलाइज अगर कर लूं तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली सबमिशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 टू सॉरी ये मैंने ऊपर गलत लिखा है 21 है
ये हमारे पास 21 आएगा. दिस इज 21 सी वन, दिस इज 2 टाइम्स ट्वेंटी वन सी टू एंड दिस इज 3 टाइम्स 21 सी थ्री. तो ये आर की वैल्यू है 1 to 21. 21 सी आर अपॉन 21 सी आर माइनस वन, और यहां पे आर भी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड तो ये जो हमारे पास जो हम लोगों ने इससे फाइंड आउट किया, बस ये एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का. अब हम इसको क्या करेंगे, आपको याद होगा हमने पढ़ा था एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. मैंने आपको बोला था ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट सा तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, दिस विल सिंपली बिकम सबमिशन आर इज इक्वल्स टू 1 to 21 आर इंटू, अब मैंने आपको बताया कि उसकी वैल्यू क्या होगी एन माइनस आर प्लस वन. अब एन की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, एन की जगह पे ये मेरे पास बन जाएगा 21 माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. तो ये आर और आर तो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स ध्यान से देखना ये आ जाएगा आपके पास आर इज इक्वल्स टू 1 to 21 22 माइनस आर. अब ये समीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको आर की वैल्यू 1 से 21 तक लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 22 माइनस 1 इज 21, फिर नेक्स्ट टाइम 2 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे और ऐसे करते करते हम लोग 21 तक माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा. सो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स व्हिच इज 21 इनटू 22 अपॉन 2. आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11 से कटेगा तो 231. तो 231 इज द आंसर फॉर अस. तो है देखने में थोड़ा सा ये डरावना क्वेश्चन लग रहा था बट है इजी. काइंडली गो थ्रू इट एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास दिया गया है 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5 प्लस डैश 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 14C11. देखें जी, एक तरीका है कि हम इन सबका वैल्यू फाइंड आउट करें, दूसरा तरीका है कि हम देखें, आपको याद होगा हमने पढ़ा था NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डैश 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 इज 2 raised to power n-1. अब यहां पे इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो ये हमारे पास है 14C1 14C11 तक. हम इसमें क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज को करने के लिए वी विल बी डूइंग इट लाइक 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5 प्लस डैश 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 प्लस 14C11 प्लस 14C13. ये ऐड भी करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे.
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी, ये जो ऊपर हमारे पास है माइनस के अलावा, ये सारी की सारी वैल्यू बन जाएगी 2 raised to power 14 -1 -14c3 c13। और ये हमारे पास 14c13 को, ये जो 14c13 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 14c1 ncr इज इक्वल्स टू nc n माइनस r। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 raised to power 13 -14c1 एंड फाइनल आंसर इज 2 raised to power 13 -14। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस, सिंपल सा था ये। 29, अगेन इट इज अ सिंपल वन, हमारे पास दिया गया है इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर देन 4 raised to power n -3n -1 इज डिविजिबल बाय। देखिए ये क्वेश्चन आपने एकेडमिकली जब किया होगा ना तो ये थोड़ा सा लंबा है, मतलब इसको ध्यान देने वाली बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमें इसको एक क्वेश्चन को जो करना है वो बड़ा आराम से एक ही चीज हमें देखनी है। हमने ना इसको, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम, क्योंकि एन की बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो हम एन की ना मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, यानी हम इसमें एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 डालेंगे। और जब ये डालते हुए हम लोगों को पहली इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी ना, बस वही हमारा आंसर है। मतलब अगर मैं एट एन इज इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास बन जाएगा 4 raised to power 1 -3 into 1 -1, ये आ जाएगा 4 -3 -1 = 0, है ना। तो ये 0 आ गई, ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास at n is equals to 2 ले लें, तो यही वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 4² -3 into 2 -1, दैट इज 16 - 7 = 9। सो वी हैव गॉट द फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू एज 9, तो दिस इज द आंसर। आपने कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सपोज यहां पर भी ये 0 होता तो फिर हम n इज इक्वल्स टू 3 डालते, फिर चेक करते। तो इस तरह से क्वेश्चन करना इज वेरी वेरी इजियर एंड फास्टर, तो यू कैन गो विद दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोलता है वन, इट्स x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स मे बी निग्लेक्टेड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसने हमें दिया ये बोलता है कि x इतना छोटा है कि इसकी स्क्वायर और हायर पावर्स जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मतलब इतना छोटा है कि इसकी स्क्वायर और हायर पावर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। अगर सपोज मैं x को 1/10 ले लूं, वैसे ही छोटा है, लेकिन अगर आप x स्क्वायर की बात करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, बहुत छोटा। x क्यूब लेंगे, ये 1/1000 हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा। यानी इतना छोटा होता जा रहा है कि इसकी वैल्यूज को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड अ हायर वैल्यू हायर पावर में भी निग्लेक्टेड। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बोला गया। तो सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 1 - x ((1+x)^-1)^(1/2). Now you just have to focus on this 1 + x(-1), जिसका एक्सपेंशन आपको पता है कि क्या होता है। दिस इज 1 - x (((1)) ये होता है आपके पास 1 - x (+x)^-(x)^(((1)) 2। अब इसने हमें क्या बोला,
एक्स स्क्वायर और हायर पावर इसकी इग्नोर कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। यू जस्ट हैव टू चेक द क्वेश्चन डीपली, तो ये आपके पास क्या जाएगा, दिस इज वन माइनस एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर वन बाई टू एंड दिस इज वन माइनस एक्स रेज टू पावर वन, तो माय फाइनल आंसर इज वन माइनस एक्स। तो आप देखिए हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल किया, kindly go through this, check it and then I'll talk to you further. In the meantime, you keep on doing the work, give your best shots, keep on practicing these questions or kahin par bhi koi problem aati to just let us know. Bye for today, stay home, stay safe, take care and jai. Jai sir.